और अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर हिमाचल बीजेपी को भी सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस के पास साफ छवि वाला कोई नेता ही नहीं है। हिमाचल की कांग्रेसी विधायक आशा कुमारी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के फैसले ने हिमाचल बीजेपी को भी सियासी हमले का मौका दे दिया है। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि आशा कुमारी के खिलाफ वन कटान और जमीन से जुड़े मामले हैं, जिसमें से एक में उन्हें सजा का ऐलान भी हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल उस पर स्टे लगा रखा है। हालांकि ये मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके खिलाफ अवैध कटान के मामले और जबरदस्ती भूमि हड़पने के मामले अभी तक मामले लंबित हैं और पिछले दिनों ही उनको एक वर्ष की कैद हुई है। और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनको पंजाब का प्रभारी लगा करके एक प्रकार से अपने ऊपर एक खतरा मोल शुरू से ही ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस ने आशा कुमारी को पंजाब का प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया है। हालांकि इस बात की तस्दीक सूबे की कांग्रेस भी कर रही है कि आशा कुमारी के खिलाफ एक मामला है जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। पंजाब का कार्यभार सौंपा है, इंचार्ज बनाया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक आपने टेंटेड होने की बात कही है कि एक मामला जरूर उनके ऊपर जो है लैंड ग्रेबिंग का ट्रायल कोर्ट में चंबा जिला में चला था, हिमाचल हाई कोर्ट ने उसको राहत दी थी और स्थगित किया है और वो मामला जो है अभी सब जुडिस है। वही दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंची आशा कुमारी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है, साथ ही बीजेपी पर पलटवार किया। कोई सच्चाई नहीं है, तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी इज फ्री टू एलेज व्हाट दे लाइक, बट इट इज नॉट द ट्रुथ। आशा कुमारी को प्रभारी बनाए जाने से पंजाब की सियासत तो गर्म है ही, लेकिन हिमाचल में भी पारा चढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।